नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जदयू को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। आपको पता होगा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और आरसीपी सिंह आमने सामने हैं, और इस बात को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जदयू एकजुट है। लेकिन पोस्टर विवाद में कहीं ना कहीं ये नजर आया है। अब आपको बता दें, इसमें एक नया मोड़ आ गया है, और आज आपने देखा था किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जनसभा में मारपीट हुई थी, उनके जो बिहार यात्रा है उसमें नोकझोंक शुरू हो गया था। एक बार फिर से अब बिहार में इस तरह का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं ये जदयू के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों बिहार दौरा पर हैं, और बिहार आते ही उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी है। बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था जब वो अध्यक्ष बने थे कि पार्टी को नंबर वन बनाना ही हमारा लक्ष्य है, और पटना में उन्होंने इस बात को दोहराया। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई उनकी, साथ ही कई अन्य मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। एक बार फिर से ललन सिंह ने छापेमारी कर दी है। नीतीश कुमार भी ऐसे छापेमारी कई बार करते नजर आ चुके हैं। आपको बता दें, कम्युनिटी किचन नीतीश कुमार की योजना है, उसके तहत खाना दिया जाता है लोगों को। अब नीतीश कुमार भी उसकी देखरेख कर रहे थे, कई बार दौरा किए। अब ललन सिंह अपने क्षेत्र मुंगेर पहुंचे हैं, और जहां उन्होंने कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे थे वहां पे छापेमारी की है और व्यवस्थाओं को देखा है। उन्होंने नीतीश सोशल सेना नामक एक पेज के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेदिनी चौक पर बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने उस क्षेत्र का, उस जगह का दौरा किया है। अब आपको बता दें, बाढ़ की समस्या से बिहार लगातार जूझ रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने कम्युनिटी किचन का फैसला लिया था, जिसके तहत लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के तरफ से ये तैयारियां की जाती है, इन तैयारियों में कहीं कमी न रह जाए, जिसका जिक्र लगातार नीतीश कुमार भी करते हैं। अब ललन सिंह जो जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अब निरीक्षण शुरू कर दिया है, बातचीत शुरू कर दिया, और वहां जाकर मुआयना भी करने लगे हैं। आने वाले दिनों में अब जो बाढ़ की समस्याएं हैं उसका क्या संभावना है, क्या उसका सहूलियत है, लोगों को बाढ़ से जो परेशानी हो रही है उस परेशानी में लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं इससे बिहार की जनता को फायदा होगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।